हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का तीसरा दिन की क्लास है यूपीएसआई एग्जाम के लिए, और इसमें हम राजभाषा का टॉपिक देखेंगे, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भाषा आपने दो वीडियो में कम्प्लीट कर दिया है, और देखिए राजभाषा जैसे ही कम्प्लीट होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन वन लाइनर है, उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगले दिन मैं लगभग 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेके आऊँगा, मॉक टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसी चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी भाषा जो टॉपिक है, हिंदी भाषा और राजभाषा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ आपका जो जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ वो ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो राजभाषा की बात करेंगे हम, राजभाषा क्या होती है टोटल डिटेल में देखेंगे। इसमें आपका जीके वाला पोर्शन भी कवर होता है, पॉलिटी का पोर्शन भी कवर होता है। राजभाषा के बारे में आपको संविधान के भाग 17 में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल आपका 343 से 351 के बारे में हम बात करेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में देखेंगे क्या चीज़ें दी गई हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पूछा जाता है राजभाषा के बारे में, संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 17 में दिया गया ये क्वेश्चन आया हुआ है, और किस आर्टिकल में दिया है 343 से 351 ये पूछा जाता है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर ये पूछा जाता है, संविधान में कितनी भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, सम्मिलित किया गया है 22 ये पूछा जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ये क्वेश्चन आपका बनता है। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे थे, ये तिलक नहीं था, खरे थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो नागपुर में हुआ था आपका 1975 में, ये क्वेश्चन आपका राजभाषा से बनता है। तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया जो इम्पोर्टेंट है, तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। दो चीज़ें होती हैं, एक राजभाषा होती है, हम राजभाषा पढ़ेंगे, और एक राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, राजभाषा हमेशा एक से अधिक हो सकती है, राजभाषा किसी भी देश में एक से अधिक हो सकती है, परंतु जो राष्ट्रभाषा होगी वो किसी देश में एक ही होती है, जो राष्ट्रभाषा भाषा होगी किसी देश में एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो राजभाषा की बात करें, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे शॉर्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम के पर्पज़ को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सीख लें। तो राजकाज की भाषा, जो भाषा देश में राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, इसे हम राजभाषा कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, जिस समय हमारे यहाँ राजाओं और नवाबों का राज था उस समय राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहते हैं। तो सीधा एक लाइन में, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा जो होती है वो हमारी राजभाषा होती है, ठीक है। एक लाइन में डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। राजभाषा का संवैधानिक शब्द है हिंदी, यहाँ जो कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। कब, 14 सितंबर 1949, डेट याद रखिएगा, लिख लीजिए नोट्स में। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। अब आइए चलते हैं, हम बात करें नेक्स्ट राजभाषा की, भाग 17 में आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 343 से 351 आके, पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया था। अब एक एक अध्याय को तीन अध्याय में बांट के हम पढ़ते हैं, लेकिन अध्याय में वन की बात करें तो आर्टिकल 343 मिल जाएगा, जिसमें संघ की भाषा के बारे में डिफाइन किया है। तो आर्टिकल 343 की बात करें तो इसमें संघ की राजभाषा, यानी कि संघ की जो राजभाषा है उसको हिंदी बताई गई है, और लिपि देवनागरी। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे देश की भाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है, और हमारे देश की जो लिपि क्या है, हमारे देश की लिपि है देवनागरी। तो 343 में ये चीज़ें दी गई हैं। अब आइए बात करें 344 में, 344 की बात करें तो उसे राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित किया जाएगा, जो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाएगा, तथा अगले 10 वर्ष के बाद उप संसद समिति द्वारा गठित किया जाएगा। तो ये राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में आर्टिकल 344 देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में दिया गया, नेक्स्ट 343 हो गया, 300 अध्याय 2 में आएगा, 345 की बात करें तो राज्य की राजभाषा या राजभाषा है प्रादेशिक। अभी देखिए इसमें जरूरी नहीं कि आपकी जो राजभाषा हिंदी है तो प्रत्येक राज्य की राजभाषा हिंदी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर जो राज्य चाहे तो हिंदी बना सकता है, लेकिन अगर जो उस राज्य की भी कोई भाषा है, जैसे तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, तो वो राज्य अपना राजभाषा मराठी को बना सकता है, तेलुगु को बना सकता है, लेकिन अगर जो नहीं है तो हिंदी बनेगी राजभाषा, ठीक है। अगर जो दोनों नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, तो अंग्रेजी होगी। तो नागालैंड आप ध्यान रखिएगा, नागालैंड स्टेट है जहाँ की राजभाषा आपकी अंग्रेजी है, ये ध्यान रखिएगा, नागालैंड है
जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, तो यहाँ पे 345 हो गया। 346 की बात करें तो 346 एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच जो भी पत्र आदि व्यवहार होते हैं वो राजभाषा जो उस राज्य की राजभाषा होती है उसी में किए जाते हैं, 346 में चीज़ें दिया गया है। उसके बाद 347 की बात करें, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में दिया गया, मतलब किसी राज्य में मान लीजिए महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे मराठी लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी के संबंध में तमिलनाडु चले जाएँ तमिल बोलते हैं, ठीक है, तो उसी के संबंध में यहाँ पे ये बनाया गया है 347 में। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा अगर जो ज़्यादातर कोई भाषा प्रयोग की जाती है तो तुक बनता है कि उस राज्य को उस बोली को उस भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित किया जा सकता है। तो 347 में आपको इस चीज़ के बारे में आपको देखने को मिल जाती है। अध्याय 3 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदि की भाषा, 348 में आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयक व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयक व अधिनियमों के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में किस आर्टिकल के अनुच्छेद में जानकारी मिलती है, तो आर्टिकल 348 में। उसके बाद बात करें 349 की, तो भाषा से संबंधित कुछ गतिविधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भाषा से संबंधित कुछ भी चीज़ें आप नहीं कर सकते बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के, कोई भी कानून नहीं बना सकते बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के। मतलब कोई भी कानून बनाते हैं तो आप पहले राज्यसभा में पेश करते हैं या फिर पहले लोकसभा में पेश करें, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन इसमें कोई भी विधेयक भाषा संबंधी है राजभाषा संबंधी है तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के पेश नहीं की जा सकते, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 349 में आपको देखने को मिल जाता है। एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद 2-3 बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं, तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी आर्टिकल 343 से 351, लेकिन अभी UPSI के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस होता तो मैं नहीं कहता इंपॉर्टेंट है, तो जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया उतने राजभाषा से काफी थे, लेकिन अभी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब आइए 350 की बात करें, तो इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। पहला, व्यथा निर्धारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकती है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है, और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ें दी गई आर्टिकल 350 में। उसके बाद बात करें हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए आर्टिकल 351 में, तो अभी मैंने जो चीज़ें बताई वो आर्टिकल 343 से 351 के बारे में डिफाइन किया, क्या चीज़ें कैसे दी गई हैं। अब आती है 8वीं अनुसूची, अनुसूचियों की संख्या की बात करें, प्रारंभ में जब संविधान आया था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, करंट में कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं। लेकिन 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। और यहाँ पे अभी रवि किशन जो है, रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़े थे और ये संसद में गए, तो इन्होंने भोजपुरी को इन 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने के लिए एक बार बहस किया था। अब देखिए आगे क्या होता, क्या इन 22 भाषाओं में 23वीं भाषा भोजपुरी के रूप में जुड़ेगी या नहीं। वैसे जुड़नी चाहिए, भोजपुरी अच्छी बोली है, लोग इसको बोलते भी हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इसमें बात करें 22 भाषाएं पहले नहीं थीं, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इसमें और भाषाएं जोड़ी गई। तो प्रारंभ में 14 भाषाओं की बात करें तो असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये प्रारंभ में 14 टोटल भाषाएं थीं। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, बहुत सारे संशोधन करने के बाद इसमें और भाषाएं बारी बारी से जोड़ी गई। तो पहले बात करें 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये आपका भाषा का टोटल टॉपिक था, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये वाले टॉपिक तीनों देख लीजिएगा, लेटेस्ट आपका जो लास्ट में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे। टोटल लगभग 40 क्वेश्चन है, इसको मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड किए हैं। और उसके बाद हम एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे हिंदी के लिए, जिसमें राजभाषा और हिंदी भाषा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैं फिर से आपको PDF दिखा देता हूँ, टोटल PDF आप ले सकते हैं, ये कंप्लीट PDF है,
जिसमें आपको सामान्य हिंदी के नोट्स देखने को मिलेंगे सभी एग्जामों के लिए, और टोटल आप बाई कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो, जिससे और लोग भी क्लासेज से जुड़े और देखें और फ़ायदा उठाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।